हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इजी निटिंग। आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारी सी और सुंदर सी सॉक्स लेके आई हूँ। तो इस सॉक्स को बुनने के लिए मैंने ये वर्धमान की वूल ली है और ये 10 नंबर की नीडल्स ली है। अगर आप इसको वर्धमान में, वोसवाल में, गंगा में, रैबिट में, इनमें बनाना चाहते हैं तो आप 10 नंबर की नीडल यूज कीजिएगा। और आप इसको 3 प्लाई में बुनना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 9 नंबर की नीडल्स यूज कीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम लेडीज सॉक्स अंगूठे वाले बनाएंगे बहुत ही इजी स्टेप्स में। स्टेप वाइज स्टेप आपको बनाना बताएंगे। तो सबसे पहले हम फंदे डालेंगे। फंदे हम सिंगल धागे से डालेंगे। जितने फंदे डालने हैं हम इतना धागा ऐसे सिंगल लेके और यहाँ पे एक नोट लगा के फंदा बुन लेंगे। तो मैं यहाँ पे 50 फंदे डालूंगी। मैं ये 6 नंबर की साइज की सॉक्स बनाऊंगी जो 5 नंबर को भी आ जाएगी और 6 नंबर को। तो ऐसे करेंगे, टेल वाला धागा है जो ये छोटे वाला, इसको अंगूठे पे करेंगे ऐसे, और जो बड़ा धागा है इसको हम उंगली पे करेंगे ऐसे। और ऐसे करते हुए इस धागे के नीचे से सिलाई डाल लेंगे और उंगली वाले के नीचे से बुन के फंदा बुन लेंगे। फिर यहां से डालेंगे, फिर से ऐसे ही बुन लेंगे, फिर यहाँ से डालेंगे, फिर ऐसे बुनेंगे। तो ऐसे ही करते हुए जो अंगूठे का धागा है पहले इसके नीचे से सिलाई डालेंगे यहाँ से, और फिर उंगली वाले के नीचे से डाल के ऐसे फंदे डालेंगे। तो ये फंदे मैं यहाँ पे 50 फंदे डाल के फिर आपको दिखाऊंगी इसमें आगे हम क्या करेंगे। देखिए, ये मैंने 50 फंदे डाल लिए, यानी 50 फंदे मैंने इसके अंदर डाल लिए हैं। ये हमारी सीधी साइड है, यहां से हम पूरी रो को उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट करेंगे। ऐसे धागा अपनी तरफ करते हुए पूरी रो को उल्टा बुन लेंगे। इसको पूरी को उल्टा बुन के कंप्लीट। ये हमारी फर्स्ट रो उल्टी उल्टी बन के कंप्लीट हुई। अब आएंगे हम सेकंड रो पे बैक साइड में। तो फर्स्ट फंदे को जब भी बुनेंगे दोनों तरफ से इसको बगैर बुना उतार लेंगे। तो इसको भी फिर पूरी को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। जब भी रो को स्टार्ट करेंगे यहां से फर्स्ट फंदे को बगैर बुने उतारते जाएंगे। ऐसे इसको पूरी को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। ये सेकंड रो बन के कंप्लीट हुई। अब आएंगे हम सीधी तरफ। सीधी तरफ फिर से ऐसे ही बुन लेंगे कि फर्स्ट फंदे को ऐसे उतारेंगे, आगे उल्टी रो बुनते जाएंगे। तो जैसे मैंने ये 2 सिलाइयां बुनी हैं, सीधी तरफ से भी उल्टी और बैक साइड से भी उल्टी, ऐसे ही हम 20 सिलाइयां बनाएंगे। ऐसे बना लेंगे, ऐसे ये काउंट करेंगे तो हमारी ये 10 धारियां हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 धारियां हमारी एक साइड है, 10 धारियां एक साइड है। तो ऐसे ही हम ये एक सॉक्स के लिए ये 2 पीस बनाएंगे। बहुत ही प्यारी सॉक्स बन के आएगी, अंगूठे में बहुत ही अच्छी फिटिंग आती है। तो जैसे मैंने इसको बुना है ऐसे ही आप एक और पट्टी ये ऐसे बुन लीजिए, जैसे ये 20 सिलाइयां बनाई है। ये बुनने के बाद फिर आगे का प्रोसेस इसका शुरू करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब हमारी ये दोनों पट्टियां बन के कम्प्लीट हो गई है। दोनों पट्टियों में हमारी ये 10 10 धारियां बन के आई है। जो ये पट्टी बुनी है, इस पट्टी का लास्ट का फंदा बगैर बुना लेंगे और यहाँ पे इस फंदे को और इस फंदे को, 2 फंदों का ऐसे एक करके और इसका ज्वाइंट करेंगे यहाँ पे। ऐसे ज्वाइंट करके और 2 का 1 फंदा उल्टा बुनेंगे। फिर इस फंदे को थोड़ा सा टाइट करेंगे नीचे से, फिर आगे इसको ऐसे ही बुनते जाएंगे। तो दोनों पट्टियों को ज्वाइंट कर लेंगे यहाँ पे ऐसे, और अब ये बुनते हुए इस सिलाई को पूरा पूरा उल्टा बुन देंगे। ये सिलाई बन के हमारी कंप्लीट हुई। अब आएंगे हम बैक साइड में। तो फिर से इस फंदे को ऐसे उतारेंगे और पूरी रो को उल्टा बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। ऐसे इसको पूरी को उल्टा बनाते हुए पूरी को कंप्लीट कर लेंगे। जो ये यहाँ पे ज्वाइंट में जो धागा है, इस धागे को थोड़ा सा यहाँ से काट देंगे।
इसको उल्टा बुनेंगे, और जो ये बीच में सेंटर में धागा था एक वूल को मैंने यहाँ से काट दिया है, क्योंकि अब हमारी बुनाई एक ही सिलाई पे बनती जाएगी। तो ये धागा है जो, इसको ऐसे दबाते जाएंगे साथ में, इसको थोड़ा सा टाइट करेंगे और ऐसे इसको अंदर की तरफ दबाते जाएंगे। ऐसे इसको अंदर की तरफ दबाएंगे और पूरी रो को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। अब ये हमारी जैसे ज्वाइंट करने के बाद फर्स्ट रो है, हम ऐसे ही चार रो बना लेंगे, जैसे दो धारियां हमारी आ जाएंगी ज्वाइंट होने के बाद में। अब हमारी ये चार सिलाइयां बन के कम्प्लीट हुई, ये यहाँ ज्वाइंट करने के बाद हमारी दो धारियां बन के आ गई है। तो अब हमारे टोटल फंदे, ये 50 फंदे इस पट्टी के थे, 50 फंदे इस पट्टी के थे, तो बीच में से हमने एक फंदा कम किया तो हमारे ये 99 फंदे रह गए। तो अब हम यहाँ पे 48 फंदे बुनेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे और 48 फंदे उल्टे बुन देंगे। ये 48 फंदे मैंने बुन लिए हैं, यानी 48 फंदे मैंने बुन लिए हैं, और 48 फंदे हम इस पे काउंट करेंगे तो जैसे एक दो तीन, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस। तो 48 फंदे हमारे ये इस नीडल पे हैं, 48 इस पे। बीच में जो ये तीन फंदे हैं, इन फंदों से हम डिजाइन बनाना शुरू करेंगे। तो इस धागे को हम यहीं पे ही छोड़ देंगे और यहां से हम दूसरा धागा लगाएंगे। तो यहाँ पे हम दूसरा धागा लगा के और सीधा फंदा बुनेंगे, इसकी यहाँ पे एक नोट लगा लेंगे। ये यहाँ पे मैंने नोट लगा ली है, और अब यहाँ पे हम इस क्रीम कलर से इसके ये तीन फंदे सीधे बुनेंगे, दो और तीन। ये तीन फंदे सीधे बुनने के बाद जो ये आगे के दो फंदे हैं, इनको बैक लूप से यहाँ से ऐसे दो का एक करेंगे, तो एक फंदा हमारा यहाँ पे कम हुआ। यहीं से ही हम वापस मुड़ेंगे, इस दो का एक किए फंदे को ऐसे ही उतारेंगे, और फिर ये आगे के तीन फंदे फिर उल्टे बुनेंगे, एक दो और तीन। इसको अंदर ही दबा लेंगे। अब जो आगे के ये दो फंदे हैं, इनका दो का एक उल्टा बनाएंगे बैक साइड से ही ऐसे, फिर यहीं से ही टर्न करेंगे। अब जो ये दो का एक फंदा बुना है, इसको ऐसे ही उतार लेंगे, और आगे के ये चार फंदे फिर सीधे बुनेंगे, एक दो तीन चार। अब फिर यहां पे दो का एक बैक लूप से ऐसे करेंगे। तो एक बार हमारा फंदा यहां सीधी तरफ से घट जाएगा, एक फंदा उल्टी तरफ से घट जाएगा। तो ऐसे ही घटाते हुए इसके सभी फंदों को हम घटा देंगे, जैसे हमने इस सॉक्स में यहाँ पे घटाया हुआ है, ऐसे ही हम इसको घटाते जाएंगे। ऐसे एक एक फंदा दोनों साइड से जब हमारा कम होता जाएगा, और लास्ट में जब हमारे यहाँ पे चार फंदे बच जाएंगे, चार इस नीडल पे और चार इस नीडल पे, तब तक हम इन फंदों को घटाते जाएंगे सीधी तरफ से, यहां से दो का एक करेंगे, फिर आएंगे बैक साइड में, इस फंदे को बुनेंगे नहीं, यही ऐसे ही उतार लेंगे, फिर आगे के फंदे बुने हुए फंदे उनको उल्टा बुनेंगे। जो हमारा ये यहाँ पे ये कलर था बीच में, इसको हमने काट दिया है, क्योंकि अब हमारी बुनाई इस क्रीम कलर से ही हो गई। तो अब यहाँ पे ये दो फंदे हैं, दो का एक यहां से बुन देंगे और इस धागे को इसके अंदर ही दबा लेंगे, दो का एक। जब हम बैक साइड में आएंगे तो उल्टी तरफ से दो का एक होगा, सीधी तरफ जाएंगे तो दूसरी साइड में सीधी तरफ से फंदा दो का एक बन जाएगा। अब जो ये फंदा बुना हुआ है दो का एक, इसको बुनेंगे नहीं, ऐसे ही उतार लेंगे, इसको यहां से नहीं उतारेंगे, इसको यहां से उतारेंगे, फिर इन फंदों को ऐसे ही बुनते जाएंगे।
बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको इस सॉक्स को बनाना सिखाया स्टेप बाय स्टेप। बहुत ही प्यारी फिटिंग बन के आती है, अंगूठे में ये हमारी सॉक्स बनेगी और फिटिंग भी बहुत ही अच्छी आती है। ये दो का एक बैक साइड से करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिल सके। इन फंदों को बीच के बीच बीच में इसकी बुनाई होती जाएगी और दोनों तरफ से एक एक फंदा हमारा घटता जाएगा। अब फिर यहाँ पे दो का एक करेंगे, इस धागे को यहाँ पे दबा लेंगे, इसके अंदर दो का एक करेंगे, फिर यहीं से ही मुड़ जाएंगे। इस फंदे को ऐसे ही उतारेंगे, यहाँ से जैसे उल्टा फंदा बुनते हैं ऐसे उतारेंगे, फिर बीच के फंदों को ऐसे ही बुन लेंगे। बहुत ही आसान तरीके में इसकी बुनाई होती है और फिटिंग बहुत ही अच्छी आती है, इसको बिगनर्स भी आसानी से बुन लेंगे। 5 और 6 नंबर के साइज में ये हमारी सॉक्स बन के आएगी। और अब फिर यहाँ से दो का एक बैक लूप से करेंगे, ऐसे यहाँ से ऐसे, तो जो हमारा ये डिजाइन बनता जाएगा किनारे से बहुत ही अच्छा बन के आएगा दोनों साइड से। ऐसे ही आप फंदे घटाते जाइएगा और लास्ट में जब हमारे यहाँ पे चार चार फंदे दोनों नीडल पे ये रह जाएं, सभी फंदे घट जाएं, तब तक हम इसको बना के कंप्लीट करेंगे। फिर आपको दिखाएंगे आगे का प्रोसेस कैसे करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब हमारे सभी फंदे घट गए हैं। चार फंदे हमारे इस साइड में बचे हैं बगैर बुने और चार फंदे इस साइड में बचे हैं। अगर आपको ये 6 नंबर में बनानी है तो आप दोनों साइड में चार चार फंदे रखिएगा। अगर आपने बनानी है ये 5 नंबर में तो आप इन सभी फंदों को दो दो करते हुए घटा दीजिएगा। अब यहां से हम ये क्रीम कलर को काट देंगे और यहां से हम अपना ये रेड कलर जोड़ लेंगे। यहां से मैंने ये ज्वाइंट कर लिया है रेड कलर, और इन फंदों को ऐसे धागा अपनी तरफ करेंगे ज्वाइंट करके, और जो यहाँ पे ये गैप बन जाएगा थोड़ा सा, इस गैप को खत्म करने के लिए हम यहाँ नीचे से एक फंदा उठाएंगे ऐसे। इस फंदे को उठा के और आगे वाले फंदे के साथ दो का एक कर देंगे। ऐसे यहाँ से फंदा उठाने से ये गैपिंग हमारी खत्म हो जाएगी और फिनिशिंग बहुत अच्छे से आएगी। अब इन फंदों को भी हम उल्टा ही बुनेंगे। अब आएंगे हम बैक साइड में, तो बैक साइड में देखिए पहले फर्स्ट फंदे को ऐसे ही उतार लेंगे और आगे इसको उल्टा बुन के कंप्लीट करेंगे। ये हमारी 6 नंबर की सॉक्स बन के अंगूठे वाली तैयार हो जाएगी। अब इस पूरी रो को ऐसे उल्टा बनाते हुए लास्ट तक बुन लेंगे। ये सभी फंदे मैंने उल्टे बुन लिया। अब यहाँ पे फिर से हम इस गैप को खत्म करेंगे। यहाँ पे जैसे गैप बन जाएगा तो यहाँ से एक फंदा नीचे से उठाएंगे और इस नीडल पे लेंगे और अगले फंदे के साथ दो का एक कर देंगे, तो यहाँ पे हमारी ये गैपिंग खत्म हो जाएगी और फिनिशिंग बहुत अच्छे से आएगी। ये पूरी रो को मैंने उल्टा बुन दिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हमारे टोटल फंदे, ये हमारे नीडल पे 55 फंदे हैं। 47 फंदे हमारे ये सेंटर में थे और चार चार फंदे हमारे ये साइड में थे, तो 45 फंदे हैं। 6 नंबर की सोप्स है। अगर आप इसको 5 में बनाना चाहेंगे तो ये यहाँ से हमारे फंदे इनका भी दो का एक करते हुए सभी फंदे हमारे, ये चार फंदे हमारे और घट जाएंगे तो हमारे 51 फंदे बच जाएंगे 5 नंबर के लिए, पर मैंने इसमें यहाँ पे 55 फंदे रखे हैं। अब हम यहाँ से इसका बॉर्डर बनाएंगे, तो फर्स्ट फंदे को ऐसे उतारेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे और उल्टे उल्टे सिलाई बनाते जाएंगे। ऐसे उल्टे उल्टे बना के इसको पूरी को कंप्लीट करेंगे। जैसे हमारी ये उल्टी एक धारी बन के आती है, ऐसे ही हम 5 धारियां बना लेंगे, यानी 10 सिलाई बना के कंप्लीट करेंगे। 9 सिलाई बनाएंगे, 10वीं सिलाई पे फंदों को बाइंड ऑफ करेंगे। अब हमारी ये बॉर्डर की सिलाइयां बन के कंप्लीट हो चुकी हैं। ये हमारी 4 धारियां बन के आई हैं, 1 2 3 4। अब आएंगे हम बैक साइड में, तो जब फंदों को बाइंड ऑफ करेंगे तो बैक साइड से करेंगे।
फर्स्ट फंदे को ऐसे बुनेंगे, फिर से इस फंदे को निडल पे लेंगे और दो का एक करेंगे। इस फंदे को थोड़ा सा लूज रखेंगे, इसको वापस निडल पे लेंगे और दो का एक करेंगे। फिर से इसे निडल पे लेंगे और दो का एक करेंगे। इसको नहीं तो ज्यादा टाइट रखेंगे, नहीं ज्यादा लूज रखेंगे, इसको नॉर्मल ही बंद करेंगे। अगर टाइट करेंगे तो ये किनारी बहुत टाइट बन के आ जाएगी और पैर में पहनने में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ से दो का एक करेंगे, वापिस इसी पे लेंगे और दो का एक करेंगे। इसको लूज रखेंगे फंदे को, फिर से दो का एक करेंगे, फिर इसी पे लेंगे और दो का एक करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ऐसे ही करते हुए इन सभी फंदों को हम बाइंड ऑफ कर देंगे, दो का एक करेंगे। ये ऐसे हमारे सभी फंदे बाइंड ऑफ हो चुके हैं। अब इस धागे को इसके अंदर से निकाल लेंगे, इस अंत को इसके अंदर से निकाल के ऐसे इसको टाइट कर लेंगे और इस धागे को काट लेंगे थोड़ा सा लंबा, क्योंकि इसी से ही हमने इसकी सिलाई करनी है। अब हमारी सॉक्स की शेप इस तरह से बन के आई है। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। सिलाई करेंगे तो इसको यहाँ से ऐसे फोल्ड कर लेंगे, ऐसे यहाँ से सिलना शुरू करेंगे और यहाँ तक सिलेंगे, फिर यहाँ तक सिलेंगे। और ये आगे का हिस्सा है, जो जितना हिस्सा ये यहाँ पे खुला है इतना ही यहाँ पे खुला रखेंगे, जितना ये है इतना ही ये खुला रखेंगे। यहाँ तक इसकी सिलाई करेंगे, यहां तक सिलाई करेंगे, यहां से यहां तक। अब इसको सिलना शुरू करेंगे तो सुई में धागा डालेंगे और यहां से इसके बारीक बारीक सिलाई, यहां पे एक नोट लगा के इसको पक्का कर लेंगे। फिर इसको सिलते जाएंगे यहां तक और यहां तक। आगे का इतना हिस्सा हम इसका खुला रखेंगे। अब इसकी सिलाई हमने कर ली है, यहाँ से लेके यहाँ तक सी लिया, आगे का इतना हिस्सा हमने खुला रखा है। अब इसको हम ऐसे करेंगे, ऐसे, और इस ये जो पहले खुला हिस्सा था नीचे से, इसको और इसको मिलाएंगे ऐसे 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 इसके सिलाई करेंगे। पहले यहाँ पे इसको पक्का कर देंगे, बराबर बराबर इसको ऐसे रखेंगे, दोनों पार्ट सेम आने चाहिए हमारे। यहाँ पे इसको पक्का करेंगे और अब सुई को ऐसे पिरोते हुए यहाँ पे निकाल लेंगे और अब इसको सिलते हुए आएंगे यहां से यहां तक, इसकी ऐसे सिलाई कर देंगे। ये हमारी बहुत ही इजी वे में सॉक्स बन के आई है अंगूठे वाले। इसको यहां से थोड़ा सा ऊपर की तरफ से सील देंगे। ऐसे सीलते हुए इसको यहां तक सिलाई करेंगे। इसको यहाँ पे कंप्लीट होगी हमारी सिलाई। अब इस धागे को बिन नोट लगा के पक्का कर लेंगे और इसको यहाँ से काट लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब हमारी इसकी पंजे और अंगूठे की इसकी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। दोनों सॉक्स हमारी एक तरह से बन के आएंगी। अब इसको हम सीधा करेंगे यहाँ से। देखिए फ्रेंड्स, ऐसे हमारी ये अंगूठे वाले सॉक्स बन के आ जाएंगे डबल कलर में। बहुत ही प्यारी सी सॉक्स बनी है और बनाना बहुत ही आसान है। दोनों पैर की एक जैसे बन के आएगी, कोई डिफरेंट नहीं रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये सॉक्स पसंद आई हो अंगूठे वाली, और मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो, मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिल सके। और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको मेरी सॉक्स का डिजाइन कैसे लगा। थैंक यू।